दोस्तों ये एक वीडियोकॉन का आपका मशीन है, वॉशिंग मशीन। इसमें आपका E5 का एरर है, हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा देर रन करने से E5 एरर आ जा रहा है, देखिए E5 लिख के एरर आ रहा। इसमें इशू हो रहा है क्या, एक बार पानी थोड़ा सा आके इसमें फिर बंद हो जा रहा है। फिर मैं ऑफ कर काउंट कर मैं दिखाऊँगा, थोड़ा सा पानी आया फिर E5 एरर आया। दोस्तों इसमें जो इसका जो एरर है ये आपका प्रेशर सेंसर से ही आता है, तो हम लोग प्रेशर सेंसर चेंज करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये प्रेशर सेंसर है, और मैंने इसको जो ये मेरे पास जो था उसको मैंने लगा दिया, और इसका पुराना वाला है। और आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इसका ओरिजिनली सेंसर आपको लगेगा। तो देखिए दोस्तों मैंने पानी पहले से भर लिया, मशीन रन हो गया और E5 का जो एरर है वो भी हट गया। दोस्तों ये वीडियोकॉन का जो सेंसर है इसका पूरा ओरिजिनली लगेगा, इसमें आप कोई भी सेंसर नहीं यूज़ कर सकते। अगर सैमसंग एल जी कुछ लगाओगे तो पानी जो है बहुत कम लेगा, तो वो चलेगा नहीं। इसका वो वीडियोकॉन का ही ओरिजिनल सेंसर चाहिए, या तो नया मिल सके तो अच्छा है, नहीं तो पुराना ही आपको इसमें लगाना पड़ेगा। नहीं तो आपको जो ये मशीन है ये सही नहीं चलेगा, तो बहुत इशू आएगा। आपको मैं सेंसर का नंबर भी आपको दिखा दूँगा। और देखिए दोस्तों ये मशीन जो है लगभग सही चल रहा, कोई इशू नहीं है। इसमें E5 का एरर मतलब है आपका वॉशिंग मशीन का प्रेशर सेंसर का एरर। देखिए मशीन घूम रहा, देखिए तो